गुड इवनिंग एवरी वन जैसा कि मैम ने मेरे बारे में बताया uh, तो वो तो uh, जिंदगी की छोटी मोटी रुकावटें और चुनौतियाँ हैं जीवन तो uh, तभी सार्थक कहलाएगा जब हम उन चुनौतियों को और रुकावटों को पार करके और जो लक्ष्य बनाया है उसको हासिल कर लेते हैं तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी यूपीएससी प्रिपरेशन से यूपीएससी uh, की तैयारी की के एस जी मैंने ज्वाइन किया uh, उस टाइम मुझे न सिलेबस पता था ना पेपर्स पता था कि कितने पेपर होते हैं uh, शुरुआत का ही दिन था खान सर की क्लास थी एक क्वेश्चन देते हैं सर हमारा बाल श्रम के ऊपर कोई क्वेश्चन था मैंने उसमें पता नहीं क्या लिखा था सर ने दूसरे दिन मुझे बुलाया कि ये क्या पूरा रेड था फिर उन्होंने बताया अप्रोच कैसे करना है आंसर को और फिर उसी दिन से मैंने कोशिश की अपने आंसर को सुधारने की डेली मल्टीपल क्वेश्चंस के भी टेस्ट होते थे तो उसमें भी अपना परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश की और इस तरीके से फिर मैंने अपनी तैयारी यूपीएससी की स्टार्ट की यूपीएससी के दो प्रयास मैंने दिए लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली तो सत्रह दो हज़ार सत्रह देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एम देना चाहिए क्योंकि आ, यूपीएससी में नहीं हो रहा है और अगर अगले साल भी नहीं होता है तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ आगे चल के क्योंकि जब वो फेल्योर आता है तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर दो दो असफलता के बाद ख़ुद को फिर से उतना मोटिवेट करना और फिर उसको पढ़ाई करना वो थोड़ा डिफिकल्ट था और अलग प्रेशर भी रहते हैं तो मैंने अपनी फिर एम की पढ़ाई स्टार्ट की अब जब मैंने सिलेबस उठा के देखा यूपीएससी में मेहनत तो ईमानदारी से की थी मेहनत तो सभी को ईमानदारी से ही करनी होती है जिसको सेलेक्ट होना है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तो होता ही नहीं है और हार्ड वर्क का भी कोई विकल्प नहीं है मेहनत तो जितनी चाहिए उतनी आपको करनी ही पड़ेगी फिर मैंने एम का जब सिलेबस देखा तो मैंने मेंस के पेपर देखे चार जीएस के पेपर होते हैं उसमें पूरा 1100 नंबर का जो जीएस आता है वो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के सिमिलर होता है तो जब हमने यूपीएससी की तैयारी की होती है तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा होता है हर सब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस बुक पढ़ी होती है नोट्स डिटेल में पढ़े होते हैं क्योंकि डिमांड एग्ज़ाम की ऐसी है कि काफ़ी कवरेज होती है हर डायमेंशन में और जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं के में भी जैसा सिखाया जाता है तो हर डायमेंशन के ऊपर अलग एक ही क्वेश्चन को आठ दस बार दिया जाता है कि उसका ये वाला एस्पेक्ट कैसे कवर करना है ये कैसे कवर करना है तो मैंने यूपीएससी मेंस दिया फिर उसके बाद एमपीपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के मेंस के पेपर देखे तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी में किस तरीके से चेंज लेकर आना है सिलेबस तो सेम था जो पढ़ा था वो भी सेम था बस मुझे आंसर राइटिंग में अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज करना थी क्योंकि वहाँ पर जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें दस नंबर के और पंद्रह नंबर के क्वेश्चंस होते हैं पहले साढ़े बारह के बीस क्वेश्चन होते थे तो टोटल ट्वेंटी क्वेश्चंस लेकिन यहाँ पर अप्रोच एकदम अलग है तीन जो पेपर होते हैं जीएस के वो तीन सौ तीन सौ मार्क्स के होते हैं आप में से लोगों ने दिया होगा तो उनको मालूम भी होगा कि हमें फ्रिक्वेंट चेंज करना होता है अपनी आंसर राइटिंग में पहले तीन नंबर के पंद्रह क्वेश्चन लिखने होते हैं फिर छः नंबर के दस क्वेश्चन लिखने होते हैं फिर उसके बाद पंद्रह नंबर के तीन क्वेश्चन लिखने होते हैं ये पार्ट वन में होता है उसी प्रकार पार्ट टू में भी यही सब फॉलो करना होता है तो फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन लिखने थे तीन घंटे में तो उसके लिए अपनी जो स्ट्रेटजी बनाया और टाइम मैनेजमेंट पढ़ा बहुत होता है लेकिन तुरंत उसमें लिखना है क्योंकि अगर एक मिनट भी सोचने में दिया तो एक नंबर एक तीन नंबर का क्वेश्चन चला जाता है तो फ्रिक्वेंट रिविज़न बहुत ज़्यादा जरूरी है और जब हम डिटेल में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो फाउंडेशन था यूपीएससी का वही मेरी इस प्रिपरेशन में भी काम आया क्योंकि 2017 हज़ार सत्रह में इसके बाद तुरंत मैंने पूरा सिलेबस उठा के तैयारी की तो वही जो मेरा नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे अपने जो मैंने पहले पढ़ रखा था उसी को रिवाइज़ किया समराइज़ वे में अपने नोट्स बनाए और उनका कई बार रिविज़न किया तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया और उसको सॉल्व किया तुरंत तो उससे क्या होता है पेपर कंप्लीट हो जाता है पेपर कंप्लीट करना ही एक अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है और ये सबसे ज़रूरी भी है अगर आपने पेपर कंप्लीट किया है तो आप दूसरे जो बच्चे जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो जा हो हो पाता है उनसे थोड़ा वैसे ही आपके मार्क्स ऊपर हो जाते हैं तो इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और जितना रिविज़न आप कर सकते हैं वो करिए फिर इसके बाद ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात आंसर राइटिंग में अगर मैं बात करूं कि मैं किस तरीके से आंसर लिखती थी तो जो कोर था वो यूपीएससी आंसर राइटिंग ही था तो उसमें अप्रोच थी मेरी कि इंट्रोडक्शन लिखना है फिर मेन बॉडी लिखना है क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सब पार्ट्स में जैसे कि पंद्रह नंबर के क्वेश्चन में तीन पार्ट्स में भी आंसर पूछते हैं तो हर उस पार्ट को हैंडल करना है फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है एक बे फॉरवर्ड एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूज़न लिखना है तो यही सेम अप्रोच मैंने एम में भी अपनी रखी तीन मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो तो टू द पॉइंट लिखने होते हैं कुछ भी पूछा है उसमें तीन एस्पेक्ट में टू द पॉइंट आपको तीन पॉइंट्स लिखना है लेकिन जो छः नंबर और पंद्रह नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो जो मैंने अपनाया इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूज़न तो इससे क्या होता है जब कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है तो सब कुछ उसको लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे ने सब कुछ सेम तरीके से लिखा है ये नहीं कि कहीं वो कुछ लिख रहा है कहीं कहीं से स्टार्ट कर रहा है एक सेम मैनर में आपकी कॉपी जब एग्जामिनर देखता है तो उसके माइंड पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं सिस्टमैटिक है जब बच्चा अभी सिस्टमैटिक है तो वो शासन में जाने के बाद भी जो काम करेगा वो भी उसका सिस्टमैटिक होगा तो वो आपको एक अलग एडवांटेज देता है इसलिए अपनी एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आंसर राइटिंग की और आंसर राइटिंग और एग्जाम क्लियर करना ये तो एक तैयारी वाली बात होती है कि तैयारी करना है लेकिन उस तैयारी में सबसे ज़रूरी ये होता है कि हर व्यक्ति को मेहनत सभी करते हैं और ईमानदारी से ही मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा नहीं हो पाता पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ दूसरे अटैम्प्ट में नहीं हुआ तीसरे अटैम्प्ट में नहीं हुआ लेकिन जो हमारा पेशेंस होता है अगर हम उसको खो देते हैं तो फिर हम उस स्टेज में नहीं होते हैं कि अपना उतना मोटिवेशन फिर से गेन करके और पढ़ाई कर पाएँ तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वही जो जय सर ने बोला था कि आप तैयारी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं खान सर ने बोला कि आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आप क्यों तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं क्यों आपने तैयारी अपनी स्टार्ट की तो उस एक चीज़ को सोच के वो जो इंटरनल मोटिवेशन आता है वो मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर किसी के दबाव में आके या फिर कोई किसी से इंस्पायर होके आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ समय बाद उतना मोटिवेशन हाई नहीं हो पाता है क्योंकि ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक लंबी प्रोसीजर है एक जो पेपर ही होता है वो पूरा एक साल ले लेता है एक साल एक पेपर चाहे वो एम हो चाहे यू हो तो उतना पेशेंस बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इंटरनल मोटिवेशन तो आप अपना इंटरनल मोटिवेशन हाई बनाए रखिए पेशेंस रखिए फ्रिक्वेंट रिविज़न करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो फिर कुछ भी हो जाए कितनी आपको असफलता मिले या फिर कोई और भी बीच में हर्डल्स आती हैं बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं आप वो सब पार कर जाओगे अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन आई है कि मैंने ये तैयारी स्टार्ट क्यों की तो फिर आप ज़रूर कर लेंगे और वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि मेहनत तो करनी है अगर आपको ऊंचाई पर पहुंचना है या सेलेक्ट होके आपने जिस मोटिवेशन से लोगों के कल्याण के लिए लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए एक अच्छे मोटिव के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो ईमानदारी से मेहनत करिए मेहनत तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है वो तो आपको करना ही है तो विशू वेस्ट ऑफ लक और सभी अच्छे से तैयारी करिए थैंक यू सो मच